ये 2023 जो आने वाला है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, सच कह रहा हूं आपको, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और ये इस 2023 की शुरुआत परमेश्वर के वचनों के अनुसार करेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा आपको। ये आप पर डिपेंड है कि आप जीवन में कैसे आशीष पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत 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 आशीषित है। एक वचन याद आ रहा है मुझे, ये 2023 की प्रॉमिसिंग के लिए एक वचन देगा, जोशुआ 1:8। जोशुआ 1:8 वचन देखेंगे हम। ये प्रॉमिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। जोशुआ 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक। अब देखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक, ये जो जोशुआ, परमेश्वर ने जोशुआ को कहा था कि तेरा जीवन कैसा होगा और तुझे क्या करना है। ध्यान से समझिए, ये वचन आपके लिए है। किसके लिए है? हमारे। बोलिए, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। पढ़िए बेटा, व्यवस्था की यह पुस्तक। हाँ, कौन सी पुस्तक? ये है व्यवस्था की पुस्तक, इसे हम कहते हैं व्यवस्था की पुस्तक। आगे, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमेन। और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। तेरे सब काम सफल होंगे। यहाँ ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि दिन रात तू अपने धंधे के बारे में सोच, दिन रात तो अपनी नौकरी के बारे में सोच, नहीं। इस व्यवस्था की लिखी पुस्तक को दिन रात मनन कर, तब तेरे काम सफल होंगे। कितने लोग सफलता चाहते हैं? अगर 2023 में आपको सफलता चाहिए तो यही है, इस पुस्तक को अपने मन से लगा के रखिए, दिन रात इसके अनुसार चलिए, परमेश्वर का आशीष देखिए आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आप क्या कहते हैं? कभी सोचा ऐसा क्यों कहते हैं आप? यीशु मसीह के नाम से हम, मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ, ये प्रार्थना रखता हूँ, क्यों? कभी सोचा आपने? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह ही वो एक नाम है जो परमेश्वर के सामने आ सकता है। परमेश्वर के सामने हम नहीं आ सकते। मेरे नाम से, अनिल के नाम से मैं नहीं आ सकता। मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। परमेश्वर के सामने एक पाप भी नहीं टिक सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह का नाम का सहारा लेके परमेश्वर के सामने आते हैं, क्योंकि वही एक नाम है जो शुद्ध है, पवित्र है, और वही एक नाम है जो परमेश्वर के योग्य है, और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस नाम का सहारा लेकर हम परमेश्वर से अपने दिल की बात कहते हैं। हमारे नाम में कुछ नहीं है, ये प्रभु कृपा करता है जब यीशु मसीह का नाम आप लेते हैं। परमेश्वर आप में यीशु मसीह को देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप में यीशु है कि नहीं है। हालेलुया। तो याद रखिए, जब भी हम यीशु मसीह का नाम लें, क्योंकि वही एक नाम है जिसका नाम जो कि परमेश्वर के योग्य है, जिसके नाम के द्वारा हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम इब्राहिम की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा, उत्पत्ति 22 का 1 से 5 के बीच में हम पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। और आप देखिए,
कि इब्राहिम ने अपनी जबान का कैसे इस्तेमाल किया। पढ़िए बेटा, इन बातों में पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने क्या कहा पहले इब्राहिम? उसने कहा मैं यहाँ हूं। क्या कहा? पहला वचन निकालिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। यानी कि ये वचन ये बताता है कि इब्राहिम परमेश्वर की सुन रहा था और परमेश्वर उसकी सुन रहा था। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने कहा, इब्राहिम, यस, मैं यहाँ हूं। ही इज अलर्ट, कहीं खोया हुआ नहीं था कि परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं थी उसे। ही इज वेरी मच अलर्ट। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं यहां हूं, यानी कि वो जानता है कि परमेश्वर इस समय मेरी आवाज सुन रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि इब्राहिम अलर्ट है, लेकिन वो क्या कहता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू प्रेम करता है, उसको मोरिया देश में लेके जा और वहां मैं तुझे वो स्थान दिखाऊंगा, पर्वत दिखाऊंगा, वहां पर तू होम बलि करके चढ़ाने जा। इतनी बड़ी परीक्षा, क्या मांग रहा है परमेश्वर उससे? उसका इकलौता पुत्र। किस एज में मांग रहा है? जब इब्राहिम 135 साल का था। कितने साल में यह बच्चा हुआ इसाक? 99 की उम्र में। हेलो, आप एक साल 6 महीने किसी कुत्ते के संग भी गुजार देना तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, इतना मोह आपके अंदर आ जाता है। लेकिन वो उसका बेटा, इकलौता बेटा, बुढ़ापे की औलाद, अब दूसरा बेटा मिलने वाला नहीं है, उसको मांग रहा है परमेश्वर। और तीसरा वचन क्या कहता है? अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान को और चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके की थी। हालेलुया। देखिए, इब्राहिम को पता है कि मेरी बात परमेश्वर सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, आवाज लगाई। परमेश्वर की आवाज इब्राहिम तक पहुंची और इब्राहिम ने कहा कि प्रभु मैं यहां हूं। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, आप वचन बताता है कि उसने अपने पत्नी से बात नहीं की। वो बेटा सारा का भी तो था, सारा से उसने कोई डिस्कशन नहीं किया कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। वो सुबह सुबह उठा और लकड़ियां चीर कर अपने गधे पर लाठी लगाई और सामान लिया, दो सेवकों को लिया और चला गया। क्यों नहीं कहा? मैं बहुत सोच रहा था कि परमेश्वर एक आदमी अपनी पत्नी से, पत्नी भी वहीं होगी, पत्नी के दूर तो नहीं होगी, पति के पास होगी, क्यों नहीं बोले? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कुछ मांगा था। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने अपनी जबान नहीं खोली। हेलो, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि अपने मुख से बोले हुए शब्दों में आप कैसे फंसते हैं। इसके बाद याकूब का 1:13 निकालिए, 1:13 देखिए, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा बातें, लेकिन आप समझिए क्या कहा, सुनिए, ध्यान दे दीजिए, मेरे साथ देखिए। उसने अपनी पत्नी से बात नहीं की। क्यों नहीं बात नहीं की? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे बोलने में कहीं संदेह ना आ जाए। ध्यान से समझिए, कहीं सारा पूछे कि क्या बात कर रहे हो, ये परमेश्वर तुमसे कह रहा है, परीक्षा, अपने बेटे को मांग रहा है, इसाक को मारने के लिए कह रहा है, क्या कह रहे हो इब्राहिम? क्या वो परमेश्वर ही था? इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसका विश्वास ही उसकी धार्मिकता, बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड।
वो कहता है क्या? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, कहीं मेरे बोलने से, कहीं मेरे समझाने से, कहीं मैं सारा को समझाऊं कि नहीं ये परमेश्वर ही था, मेरे अंदर संदेह ना आए, मेरी जबान से संदेह ना आए, मेरा अविश्वास ना झलके मेरे बोलने से, इसलिए मुझे कार्य करना है, मुझे अपने बेटे को लेके जाना है और जो परमेश्वर ने कहा मुझे वो करना है। आमीन। आप सोचिए, आपके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा नहीं आई होगी, हमारे जीवन में छोटी सी परीक्षा आती है और हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्या तूने हमको छोड़ नहीं दिया है, इतने दिनों से नौकरी नहीं है, ये क्या हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है ये, यानी कि आप इनडायरेक्टली वे में परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं। आपका अविश्वास आपको कमजोर बना देता है, आपका अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। नहीं कहा इब्राहिम ने, कुछ नहीं कहा, बल्कि उत्पत्ति 22 के 5 में उसने अपने सेवकों से कहा जब वो मोरिया देश में गया कि मैं ऊपर जा रहा हूं परमेश्वर से आराधना करने के लिए। आमीन। मैं ऊपर जा रहा हूं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। आराधना का मतलब क्या है? उस के मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार मैं जीवन बिताऊं। उसने जो कहा है मुझे वो करना है। उसने नहीं सोचा कि सारा साला क्या कहेगी बाद में कि मैंने उसके इकलौते पुत्र को मार दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अंतिम समय है, मैं तो उसको जाके मार दूंगा क्योंकि मैं तो परमेश्वर से प्यार करता हूं, जाते जाते यार एक माँ से उसके बेटे को मिलवा दूं, बेटे गले मिलने माँ से किसी तरीके से। नहीं, कोई भी ऐसा काम मेरे द्वारा ना हो जो कि अविश्वास पैदा करे कि मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता हूं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं अविश्वास के साथ, हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है, उसने मेरे अगर जीने, उसने अगर मेरे जीवन में लिखा है कि मेरे पास नौकरी नहीं होगी एक साल तक तो धन्यवाद, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर है, उसने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, तो क्या मुझे छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता, क्या मुझे धंधा नहीं दे सकता, क्या मेरे जो पैसे अटके हुए वापस नहीं आ सकते? आ सकते हैं। मेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, मेरे मुख से मेरे अंदर अविश्वास का विचार भी नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए। और शैतान कहां बैठा है? आपके मुंह के पास। वो इमीडिएट आपके मुख से निकले हुए शब्दों को पकड़ता है जहां आपने अविश्वास किया कि अरे यार क्या करूं, काम मिल नहीं रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको कर्म नहीं करना है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है। कभी कभी हम अपनी जुबान से, आपकी जुबान कभी कभी आपके अंदरूनी मनुष्य को पैदा दिखाती है कि आपके अंदर का मनुष्य कौन बैठा हुआ है, आपकी जुबान बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आपकी जबान के द्वारा आप अपनी आशीषों को खो देते हैं, उस आनंद को खो देते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया और एलीशीबा के बारे में पता है आपको? हालेलुया। मैं लूका 1:18-20 में पढ़िएगा बेटा, लूका 1:18-20 के बीच में। एलीशीबा जो कि परमेश्वर की चुनी हुई थी, एलीशीबा और जकरिया, बाइबल कहती है कि वो लोग धर्मी थे और परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे, उनके बच्चा नहीं था और वो बूढ़े हो गए थे। एलीशीबा बांझ थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब यहाँ पर जब जकरिया जो कि एक याजक के रूप में था और वो मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो वहाँ पर जिब्राइल सरदूत आया और उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। यानी कि जिब्राइल जो अपने जकरिया है वो अभी तक प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बाप बनना है, हमें बच्चा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, तो तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे अगली बार तेरा बेटा होगा, तेरी पत्नी से एक पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना और वो लोगों को आशीष देगा, लोगों के आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना जिब्राइल दूत ने भविष्यवाणी की, लेकिन जकरिया जो कि याजक था, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, वचन कहता वो धर्मी था, वचन बताता कि वो प्रार्थना कर रहा था, फिर भी उसके शब्दों ने संदेह किया। और क्या हुआ देखिए, पढ़िए 18 से 20। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ जी, आगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। 20वां। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। एक मिनट, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो सके उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। किसने उसको आजमाइन में डाला? उसके बोलने में। जकरिया ने बोला और आजमाइश में आ गया। क्या कहा उसको? सजा क्या दी? कि तू बोल नहीं पाएगा, तूने अपने मुख से परमेश्वर के लिए संदेह प्रकट किया है। मैं स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने रहता हूं, स्वर्ग से उतरकर तेरे लिए यहां पर आया हूं, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? आपके जीवन में संकट की धारा बह रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे होगा? नहीं, आपको प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से सब ठीक होगा। आमीन। मेरी प्रार्थनाएं, मेरे विचार परमेश्वर के विरुद्ध ना जाएं, मेरे अंदर कोई संदेह की भावना नहीं आए परमेश्वर के लिए, मेरा अच्छा होगा। अरे मैंने पिता से प्रार्थना की है, मैंने प्रभु से मांगा है, रुकावट आ ही नहीं सकती है। कैसे? संदेह कौन डालता है? शैतान। क्या बोला? कि तेरे बोलने से, जो तूने बोला है और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर अपने समय पर प्रतिदिन नहीं रखी। हमें शब्दों को सुनकर समझकर रहना है, गलत नहीं बोलना है। अगर गलत चीजें आप निकालेंगे या गलत चीजें आप बोलेंगे, गलत तरीके से आप बोलेंगे, काम करेंगे आप? देखिए, स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया 1 साल के लिए। क्यों गूंगा कर दिया? क्योंकि उसके अंदर संदेह था, अविश्वास था। आपके जीवन में काम कैसे हो रहा है? आपको पता है विश्वास क्यों कहता है परमेश्वर कि आप विश्वास करिए? विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से जोड़ता है। विश्वास ही है, विश्वास। वो 12 साल की औरत जो लहू से बीमार थी, जब यीशु मसीह से मिलने के लिए आई तो अपने मुंह से ही कह रही थी कि मैं उसको छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। बाइबल में लिखा है, मरकुस की किताब देखिएगा 5वें में, तो आपको पता चलेगा कि वो कह रही थी कि मैं उसके बदन के छोर को, कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कह रही थी, वो कह रही थी। आपका कहना जरूरी है। मरकुस 11:24 क्या कहता है? कि तू अपने बोल से, अपने मुंह से बोल। मरकुस 11:24,
Yes. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, आप मांगो की जगह अगर आप बोलो शब्द लगा दें, आप कैसे मांग रहे हैं? आप बोल के मांगेंगे? आप बोल के मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो उसने क्या कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके बोलो, मांगो, प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जब विश्वास से प्रार्थना करें तो होगा। आपको कर्ज है, मांगिए, परमेश्वर कर्जों से छुटकारा दे, परमेश्वर देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है। उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके मांगिए। लेकिन यहां ये नहीं कि आपने आज यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया, कल दूसरे किसी नाम पे चले गए, परसों तीसरे किसी के नाम पे चले गए, ऐसा नहीं होगा। और क्या कहता है वचन, कि आप मांगिए और विश्वास करिए, होगा। मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। आमेन। आप नहीं जानते, आपका हर काम मेरे भाई परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। आपने धंधा नहीं लगाया, आपने प्रार्थना के लिए मुझे नहीं बुलाया, ये परमेश्वर है जिसने आपको बुद्धि दी और परमेश्वर की प्रार्थना से आपका धंधा शुरू हुआ। आपका धंधा बीच में क्यों रुक रहा है? क्योंकि आपका विश्वास आपके सामने आ रहा है। आपका अविश्वास क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि आपके सामने लालच है। अब आप लालची हो गए, अब आप लालची हो गए, आपका लालच आपके अंदर अविश्वास पैदा करता है, आपका लालच आपके अंदर संदेह पैदा करता है, आपका लालच आपके अंदर से ईमानदारी निकाल देता है। परमेश्वर को पता है सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपकी ईमानदारी। वो आपसे पैसा नहीं चाहता है। वो विधवा कंगाल जो दान में डाल रही थी, दो दमड़ी, दो तांबे के सिक्के थे, और यीशु मसीह ने कहा कि यहां बहुत से साहूकार हैं, बहुत से फारिसीज हैं जिन्होंने अपनी बहुत से रकम डाली है, बड़ी बड़ी रकम डाली है, लेकिन परमेश्वर ने किसकी उपासना की, किसको प्रेस किया? विधवा को, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी थी, जो है वो दे रही थी। आपकी ईमानदारी आपको आशीष देगी। आप देते कैसे हैं? आपके जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के घर में चोरी करते हैं। और देते कहाँ हैं? डॉक्टर को। देखिए, एक उम्र के साथ देना ठीक है, डॉक्टर है, आपकी उम्र है, 60 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, प्रॉब्लम होती होती है, लेकिन ऐसी बीमारी जो आपको नहीं आनी चाहिए, आप जवान हैं, जो चीज नहीं होनी चाहिए अगर वो हुई है तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की आसमाइश में हैं, आप दूर हो रहे हैं, शैतान काम कर रहा है, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक 60 साल का, 70 साल का आदमी चल नहीं पा रहा है, उसको स्टिक चाहिए तो चलेगा, 60-70 साल का आदमी। एक 25 साल का आदमी चल नहीं पा रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। आमेन। सामान्य नहीं है ना, असामान्य है। हेलो, आपकी ईमानदारी आपको परमेश्वर के सामने आशीषित करती है। ईमानदारी, इस समय ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अंतिम समय है,
परमेश्वर एक बार हट गया आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ईमानदारी बहुत जरूरी है। किसी के संग हो ना हो, परमेश्वर के संग ईमानदार बनिए आप। हालेलुया। तो आप क्या बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप बोल क्या रहे हैं, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है। जकरिया ने कहा ये कैसे होगा, क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं? आप जवान हैं, आप गारंटी ले सकते हैं अगले साल आपके बच्चा होगा? ले सकते हैं। कौन देगा? परमेश्वर। आमीन। जकरिया जो कि बूढ़ा था, याजक था, कभी कभी शैतान आपके अंदर डर डालता है, कभी कभी आपके अंदर वहम आ जाता है और आप संदेह की बातें बोलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सपनों में बात करता है, दर्शनों में बात करता है। परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं के बारे में बताता है, लेकिन आपको उन योजनाओं को, उन सपनों को कैसे लेना है, ये बहुत जरूरी है। आज यूसुफ को परमेश्वर ने अपने सपनों के बारे में बताया, उसको सपने दिखाकर कि मैं तेरे जीवन में कैसे काम करने वाला हूं। उसने उन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताया कि मैंने सपना देखा है कि तुम सब लोग मेरे सामने झुकने वाले हो, झुकोगे। क्या परमेश्वर चाहता था ये बोले? क्या हुआ कि उसके भाई उसके बैरी हो गए, उसके भाई उसके बैरी हो गए और उन्होंने उसको बेच दिया। हमें परमेश्वर के आशीषों को कैसे समझाना है? अगर हमें टेस्टमनी भी देनी है तो उस टेस्टमनी को भी किस तरीके से देना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आज सुबह सुबह गाड़ी से आ रहे थे हम, मैं और नेहा, और सारा आपको पता है सब कुछ बंद था, अग्रवाल सर्कल पे सब कुछ बंद था ना। मैं गाड़ी निकालने लगा, वॉचमैन ने कहा सर बंद है सब कुछ, दरवाजा हमारा गेट बंद था। मैंने कहा गेट खोलो, सर सब कुछ बंद है। मैंने कहा हमको चर्च जाना है, प्रभु रास्ते खोलेगा, हमको चर्च जाना है। निकले हम और गाड़ी लेकर, ये अब सब कोई नहीं जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं गाड़ी कहाँ जा रही है। जब कहीं कोई गाड़ी ना हो और एक गाड़ी सब लोग देखते ना उसी को, तो गाड़ी देख रहे हैं। अग्रवाल सर्कल पर एक पुलिस वाला मिला। मैंने कहा देखिए मैं एक फादर हूँ, पास्टर हूँ और मेरा चर्च है और मुझे जाना है, मुझे बात करी और मैंने ब्रदर डैनियल का नाम लिया। तो ही सेड कि सर लेकिन यहाँ कैसे जाएंगे? मैंने कहा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कहते ठीक है वहाँ से निकल जाइए। और अग्रवाल सर्कल से लेकर अचोले रोड तक कितना लंबा है? इज अ लॉट। कितने पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैं जा रहा हूँ। हर जगह देखा बंद है। और आया और वहाँ पर जो राजनगर से मुड़ते हैं ना, वहाँ भी बंद था। तो मैं उतरा और मैंने पुलिस कांस्टेबल को बोला कि मुझे जाना है, मेरा चर्च। हाँ जाइए ना सर। आमीन। हमने निकलने से पहले यीशु मसीह से प्रार्थना की, हमने निकलने से पहले कहा प्रभु रास्ता खोल दे, मैं कलीसिया के लिए जा रहा हूं। मेरे भाई आप घर से निकलने से पहले यीशु मसीह को समर्पित करिए अपने उस मार्ग को, और विश्वास करिए कि होगा, और विश्वास के संग कदम बढ़ाइए। अगर मैं उस वॉचमैन की बात सुन लेता, अगर मैं उस वर्दी को देखकर ठेठक जाता, रही वर्दी यहां भी खड़ी है, अरे वो इंस्पेक्टर वहां भी खड़ा है, अरे वो बंदोबस्त यहां भी है, नो, मैं किसको देख रहा था? यीशु को। बहुत सी रुकावटें आपके जीवन में आएंगी, आपको किसको देखना है? यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर को देखना है। यस, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं किसके लिए जा रहा हूं? सेवा के लिए जा रहा हूं। किसकी सेवा? परमेश्वर की सेवा, यीशु की सेवा। कोई आपको रोक नहीं सकता है। हाँ मुझे गलत तरीके से नहीं करना है, लेकिन दीनता और नम्रता के साथ आप प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए,
मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का अभिषेक उतरता रहेगा आपके ऊपर। आमीन। आपकी ईमानदारी आपको अभिषिक्त करती है। ईमानदारी से सेवा करिए, ईमानदारी से बाइबल पढ़िए, ईमानदारी से प्रार्थना करिए, ईमानदारी से दान दशांश दीजिए, ईमानदारी से। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। यस, ईमानदारी बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अपने मुंह से कुछ गलत शब्द मत निकालिए, दोस्तों में बात करते हुए, पति पत्नी बात करते हुए। क्या नाम पति पत्नी है यार, बात कर ले, नो करिए आप बात। गलत शब्द ना निकले किसी के लिए, कोई गलत शब्द ऐसा ना निकले जो परमेश्वर का अविश्वास हमारे अंदर कम कर दे। मेरे मुंह से, मेरे बिहेवियर से, मेरे चलने से, मेरे बैठने से विश्वास पैदा होना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, आनंदित हैं? आज का वचन आपको अच्छा लगा? हालेलुया, हालेलुया। जो जूम मीटिंग में हमारे भाई बहन हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको भी आज का वचन अच्छा लगा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।